अब हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। इसमें हम पीएम में 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार पूछे जाते हैं, तकरीबन ये क्वेश्चंस हर बार टेस्ट के अंदर आते ही आते हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे और उनके आंसर्स भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों तक कम से कम ये 30 सवाल तो हों जो कि आप लोग तैयारी कर सके। और ये 30 सवाल मैं फिर से कहता हूँ कि ये हर दफ़ा हर बार टेस्ट के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं। 30 के 30 सवाल ऐसे हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पीएमए के हवाले से। तो पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के हवाले से एक नहायत अहम संगे मील आपके लिए साबित हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई वीडियोस हम अपलोड करें वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले है विच कंट्री इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। कौन सी कंट्री है जिसको लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है? तो आंसर इज थाईलैंड। नंबर टू पे है वट वॉज द एज ऑफ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मेरे माइग्रेशन लिखना था, इधर मिराज लिख दिया। तो वट वॉज द एज ऑफ होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मैरिज, आपकी पहली शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? तो आंसर इज 25। नेम ऑफ ब्रदर ऑफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का नाम क्या था? हजरत हारून अलैहिस्सलाम था उनके भाई का नाम। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ डॉग कॉन्टिनेंट, तो कौन सा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? अफ्रीका। वैन गजवा एहजाब वॉज फॉट, गजवा एहजाब कब फॉट हुआ, कब लड़ेगी? 5 हिजरी 627 AD। विच सूरा इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ होली कुरान, सूरा यासीन। हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मैंशन इन होली कुरान, कुरान पाक के अंदर टोटल कितने पैगंबरों का कितने नबियों का जिक्र है? आंसर इज 26। अकॉर्डिंग टू 14 पॉइंट्स ऑफ कायद विच प्रोविंस शुड बी गिवन रेफरेंडम, तो कौन से सूबे को रेफरेंडम का हक दिया जाना था? तो आंसर इज केपी के एंड बलोचिस्तान। नंबर 9 पे है विच प्रॉफिट इज नोन एज असदुल्ला, सॉरी ये विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट था, विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, तो ये मिस जो मिसप्लेस हुआ है लफ्ज विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से सहाबी थे जिनको असदुल्ला के नाम से जाना जाता था? तो आंसर है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो। व्हेन बंगाल पार्टीशन वाज हैपेंड, बंगाल तकसीम में बंगाल कब हुई? 1905। बदर इज अ नेम विलेज और द फुल मून, किसी गांव का नाम और फुल मून का भी नाम थे, फुल मून को भी बदर कहते हैं। हु रोट बांगे दरा, बांगे दरा किसने लिखे? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। नंबर 13 मंगला डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, मंगला डैम कौन से दरिया पर वाक़िया है? तो मंगला डैम दरियाए झेलम के ऊपर वाक़िया है। नंबर 14 है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ भूटान, भूटान के दारुल हुकूमत का क्या नाम है? आंसर इज टेम्पू। नंबर 15 बिगेस्ट कंट्री ऑफ एशिया बाय पॉपुलेशन एंड एरिया, रकबे और आबादी के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? तो आंसर इज बाय पॉपुलेशन चाइना एंड बाय एरिया रशिया, तो रशिया यूरोप के अंदर आता है, तो चाइना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच प्रॉफिट वाज हैविंग टाइटल ऑफ रू अल्लाह, कौन से नबी थे जिनका लकब था रू अल्लाह? तो रू अल्लाह लकब था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। तो नंबर 17 है इन विच ईयर 14 पॉइंट्स ऑफ कायद वर पब्लिश्ड, कौन सा साल था जबकि कायद आजम के 14 पॉइंट पब्लिश हुए? 1929। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के कायद आजम मोहम्मद अली जिना। नंबर 19 है हु वाज द चीफ मार्शल आफ्टर जिया, हु वाज द चीफ मार्शल आफ्टर जिया, जनरल परवेज मुशर्रफ, तो जनरल परवेज मुशर्रफ जियाउल हक के बाद उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था, तो वो जनरल परवेज मुशर्रफ थे। नंबर 20 बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंड लाइन, तो ये 2430 किलोमीटर है, 2292 किलोमीटर नहीं है।